साहब उन्होंने डिसाइड किया था कि एक उन सिटी में रोड मार्च होना चाहिए, रोड मार्च से एक डिस्टेंस जो है बनी रहती है। तो जो आज हमने जो डिसाइड किया था, टाइम रखा था 2 बजे, 2 बजे से हम यहाँ मार्च करेंगे। पहले मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप सब फिट हो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो रूट में आपको यहाँ से थोड़ा मतलब बता दूंगा। आगे आगे हमारा जो मेन जो ग्रुप होगा वो मार्च करेगा। तो आपने रूट मार्च चलते वक्त आपने डिस्टेंस जो है मेंटेन रखना है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए SOP के मुताबिक, और अलर्ट रहना है, अलर्ट होके चलना है। कोई भी ढीलापन नहीं दिखाना है, और पता लगना चाहिए कि सिटी में हमारी जो फोर्स है वो मार्च कर रही है। तो जो मेन जो रूट होगा, हम यहाँ से जाएंगे, जो हमारा परेड ग्राउंड है यहाँ से हम सीधा मार्च करेंगे। यहाँ से डुंगस है, डुंगस की ये आगे वाला जो पॉइंट है, डुंगस से होते हुए हम एजाज जान हाउस है, घर है वहां से निकलेंगे। उसके बाद कौनसा चौक है वहां से निकलेंगे, और हॉस्पिटल रोड की बैक साइड जो एरिया है उस साइड से गुजरते हुए हम आएंगे परेड पार्क की तरफ। परेड पार्क से होते हुए कोर्ट जो कॉम्प्लेक्स है वहां से निकलेंगे। कोर्ट कॉम्प्लेक्स से चलते हुए जो मेन हमारा बाजार है वहां से निकलेंगे। वहां से होते हुए हम जामा मस्जिद की तरफ जाएंगे। जामा मस्जिद से होते हुए हम आला पीर की तरफ जाएंगे। आला पीर से हमारा जो पीछे रोड है DPO की तरफ, वहां से होते हुए नाकाबाली चौक आएंगे। नाकाबाली चौक से होते हुए हम जो मेन जो हमारा है पुलिस स्टेशन, इसकी वेबसाइट से होते हुए हमारा जो है सीधा DPL जो हमारी लाइन है वहां पे पहुंचेंगे। ओके, सबको ये पता चल चुका है रूट का, किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? ओके, बस भाई थोड़ा ध्यान मेरी तरफ के, हमारी यह टुकड़ी CRP की रहेगी ना, सबसे पहले हमारी वो रहेगी वेपन क्वालिटी, उसके पीछे हमारी यह टुकड़ी रहेगी CRP की, फिर उसके बाद हमारी पुलिस की टुकड़ी रहेगी, उसके बाद सारी पीछे चलना है रोड के दाएं और बाएं दो लाइन में, ठीक है?
वाले ठीक है। रोड मार्च में सभी पार्टीज दो लाइन में चलेंगी, ठीक है। रोड के दोनों साइडों पे चलेंगी, कोई भी रोड के बीच नहीं चलेगा, ठीक। सबसे आगे एसओजी रहेगी, उसके पीछे सीआरपीएफ रखेंगे, देन हमारी डिस्ट्रिक्ट वाले, फिर चलेगी पीछे आईटीबीपी, ठीक है। सभी लोग वेपन से आराम से, कोई बात नहीं करेगा, आराम से जैसे बताया जाएगा, आगे भी ऑफिसर रहेंगे, पीछे भी ऑफिसर रहेंगे, ठीक है। सभी लोग आराम से, जैसे डिसिप्लिन से एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे सभी। समझ आ गई सबको? किसी को कुछ बोलना है या पूछना है? ठीक है।